बेटी की शादी के बाद माँ बाप का सपना यही होता है ना कि बेटी की यादगार विदाई हो। जहानाबाद के भी एक दंपति ने बेटी की विदाई को लेकर ऐसा ही एक सपना देखा था। माँ बाप का सपना था बेटी और दामाद को हेलीकॉप्टर से विदा करें। बेटी और दामाद दोनों डॉक्टर, लिहाजा जीवन भर की कमाई इस माता पिता ने बेटी की विदाई को यादगार बनाने में खर्च कर दिए। माँ पिता ने तय कर रखा था कि विदाई पैतृक गांव जहानाबाद से हेलीकॉप्टर से हो और पूरे गांव के लोग इस पल का गवाह बने, लेकिन जहानाबाद जिला प्रशासन ने इनके सपने पर पानी फेर दिया और पैतृक गांव से हेलीकॉप्टर उड़ने की अनुमति नहीं दी। जब बेटी मेरी डॉक्टर बनी तो उसी समय मैंने कहा कि बेटी को सारी करेंगे तो हेलीकॉप्टर से विदा करेंगे। हेलीकॉप्टर से विदा करने के लिए मैंने कहा कि जो भी हमारा रिटायरमेंट का पैसा मिलेगा, अब उस समय शादी होगी तो हम सब पैसा रिटायरमेंट हेलीकॉप्टर में खर्च कर देंगे। मेरी पत्नी रिटायर कर गई और इसका जो पैसा जो मिला है शादी में खर्च हो गया। उसी बुकिंग में भी है, हेलीकॉप्टर बुकिंग में भी है। हुआ कि भाई जहानाबाद हमारा घर है, वहाँ से विदा करेंगे। लगभग 9 लाख रुपए में हेलीकॉप्टर की बुकिंग कराई गई थी और 17 नवंबर को ही जहानाबाद जिला प्रशासन को हेलीकॉप्टर उड़ने की अनुमति मांगने के लिए आवेदन भी दिया गया, लेकिन शादी से 24 घंटा पहले इन्हें हेलीकॉप्टर उड़ाने की अनुमति नहीं मिली, जिसके बाद आनन फानन में गया एयरपोर्ट से बेटी दामाद को हेलीकॉप्टर के जरिए रवाना किया गया और थक हार कर दुल्हा दुल्हन ने हेलीकॉप्टर से गाँव के कई चक्कर लगाए कि विदाई के इस यादगार पल के गाँव वाले गवाह बने। हेलीकॉप्टर से दुल्हा दुल्हन ने जमशेदपुर के लिए उड़ान भरी। अब डीएम साहब और एसपी साहब को क्या खतरा हुआ कि हमारा अपना जमीन है, एगो हमारा भाई के जमीन है और वही हमारा घर है, तो हमारा गांव के लोग कोई आतंकवादी तो नहीं है, हमारा गांव के लोग बहुत अच्छे लोग हैं, तो ना हमको उतना हेलीपॉइंट बना हुआ है। मीडिया कर्मी लोग, आप लोग से आग्रह है कि वहाँ देखिए कि हमने वहाँ हेलीपैड बनवा दिया है घर पर। ये अपना ज़मीन है, हमारे एक सुखेंद्र भाई है, अपना ही परिवार है, उसका ज़मीन है बगल में, दोनों मिलके हम लोग हेलीपैड वहाँ बनवा दिया है। और जो है जहानाबाद के डीएम और जहानाबाद के एसपी, ये दोनों किस चाल में हैं कि रामानंद दास अनुसूचित जाति में चमार जाति का सदस्य है और ये हमको अनुसूचित जाति कमज़ोर समझ के या क्या माने छोट जाति समझ के किस रूप में हमको इस तरह से अपमानित किया है। वो क्या हुआ, क्या किया? हेलीकॉप्टर का परमिशन नहीं ले रहे हैं, केरों से आदमी परमिशन के लिए दौड़ रहा है, अभी तक परमिशन नहीं दिया। लड़की के पिता रामानंद दास ने जहानाबाद जिला प्रशासन पर आरोप लगाते हुए बताया कि जानबूझकर इनकी बेटी दामाद को हेलीकॉप्टर से उड़ने की अनुमति नहीं दी गई, जिसके बाद गया एयरपोर्ट से बेटी दामाद को विदा किया गया। गया से संवाददाता आशीष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ बाय स्कूप।